युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में सेक्टर 7 ग्राउंड में दुर्गोत्सव पर्व हर्ष से मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापना यहां की गई है। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रथम दिवस पर माता की स्थापना के साथ विशेष आरती में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशलु सब परिवार शामिल होकर आरती किए। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में सेक्टर 7 ग्राउंड में दुर्गोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की विशाल प्रतिमा की स्थापना यहां पर की गई है। यहां प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रथम दिवस पर माता रानी की स्थापना के साथ विशेष आरती में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलु सब परिवार शामिल हुए। आरती के पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलु ने शहरवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई दी। साथ ही विभिन्न आयोजन जो आगामी दिनों में यहां पर कराए जाएंगे उसके विस्तार से चर्चा की। युवा खेल सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से दशहरा पर्व भव्य मनाता जाता रहा है इस मैदान में। इस वर्ष हमने गणेश पूजा एवं दुर्गा पूजा का भी आयोजन प्रथम वर्ष रखा है। यहाँ पे बजरंग बली की बाल्यकाल से लेकर समस्त संपूर्ण चली झांकियों का प्रदर्शन हम करवा रहे हैं, जो लोगों के लिए एक आनंददायक रहेगा। हम माता से कामना करते हैं कि भिलाई दुर्ग की जनता स्वस्थ और समृद्ध और सुखी रहे, यही कामना करता हूँ। बताना चाहेंगे कि युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल बीते 27 वर्षों से दशहरा पर्व बहुत ही भव्यता से मनाता रहा है। इस वर्ष मंडल द्वारा गणेशोत्सव पर्व भी मनाया गया था। वहीं इस वर्ष प्रथम वर्ष पर दुर्गोत्सव पर माता रानी की स्थापना के साथ पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ चलित झांकी जो बजरंग बली की बाल्यकाल को लेकर तैयार की गई है वो भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोजाना यहां श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने जहां पहुंच रहे हैं वहीं चलित झांकियों का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।